हमारी मैथोलॉजी में जिसको हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, डोंट नो वेदर हिस्ट्री और माइथोलॉजी, बट महाभारत से लेकर रामायण में हर जगह पे इस चीज़ का कहीं कहीं मेंशन हो चुका है। अगर आप देखें महाभारत में जो कौरवों का जन्म हुआ था, अगर उसको आप डिटेल में स्टडी करें तो कहीं ना कहीं इसमें भी आईवीएफ इन्वॉल्व था कि भाई वो 101 घड़ों के डिब्बों में डाल के उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा, फिर वो बच्चे हुए। तो अगर आप उसका आज के साइंसेस को कंपेयर करें तो वो भी आईवीएफ था। जहाँ तक बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे उनके जन्म का सवाल आता, वहाँ पे भी कहीं सरोगेसी इन्वॉल्व थी। उनकी जो माँ रोहिणी है वो एक्चुअली उनकी मदर नहीं थी। तो अब अगर हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो उस वक्त साइंस बहुत इन्वॉल्व थी, इवॉल्व थी हमारी। तो हाँ, इंडिया डेफिनेटली आई वुड से इट्स अ पायनियर इन आईवीएफ टेक्नोलॉजी। वी नीड टू सी इट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे आजकल एक वो क्या एक मीम चल रहा है कि एज इज डजंट द मैटर, तो वहाँ पे मैं एज इज आपको जस्ट अ बताना नंबर। चाहूँगा, एज जस्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी का जहाँ तक सवाल आता, एज डज द मैटर। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली औरत के केस में। एक तो यह है कि लोगों को ये लगता है कि भाई आईवीएफ जो है ये एक तरह की, इस तरह से टेक्नोलॉजी जहाँ पे गारंटी है। तो हर पेशेंट ये सोच के आता है कि भाई आईवीएफ का मतलब है कि वो पक्का बच्चा होगा। बहुत बार मैंने देखा है कि 30 साल की उम्र का कपल मेरे पास आ रहा है, अगर छोटा सा भी इनसे कोई मैं टेस्ट की बात करता हूँ, दे वुड बी लाइक, अच्छा हम आप लोगों ने मम्मा पापा से पूछ के बताते हैं। थोड़ा सा कभी कभी हैरानी होती है मेरे को कि भाई आपने जब शादी कर ली है, 4 साल 5 साल शादी को हो गए, 30 साल की उम्र है, आप बच्चे का डिसाइड कर रहे हो, कल के बच्चे की परवरिश करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्लड टेस्ट के लिए आप अपने मम्मा पापा से पूछोगे। तो कभी कभी हैरानी होती है मेरे को। रात को 10 बजे सो के सवेरे 5 बजे उठ रहे हो, दैट इज हेल्दी। अब आप बोलते हो कि रात को जी मैं 2 बजे सोऊंगा, सवेरे 9 बजे उठूंगा, मेरी 7 घंटे तो पूरी हो गई, बट वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी को पता है कि वो 2 बजे सोने का टाइम नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको असर दिखेगा उसका। ओके, तो एज ए टोल्ड कि बड़े सिंपल सी चीजें हैं। सेलिब्रेटिंग द मिरेकल्स ऑफ साइंस एंड ड्रीम्स ऑफ फैमिलीज, वी एम्बार्क अ जर्नी थ्रू द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ, वन टाइनी मिरेकल एट अ टाइम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजिताभ शुक्ला, हु इज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट एमएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आई वेलकम यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, इतना आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि टॉपिक्स पे बहुत बात होनी चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंडेवर। थैंक यू सर, वी वेलकम यू। सो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर, दैट हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्टेड, व्हेन डिड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस? एंड जर्नी स्टार्टेड अराउंड 45 इयर्स अगो मैम, करीब 45 साल पहले की बात है। 1977 में स्टार्ट हुआ था मैम, लंदन में स्टार्ट हुआ था। एक पेशेंट थी, एक लेडी थी, जो कि मैरिज के बाद भी जिसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, उनका जब टेस्ट करके देखा गया तो पता चला कि उनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, या जिसको हिंदी में हम लोग नली बोल देते हैं, वो चीज़ें बंद थी। अब प्रेगनेंसी जो हो लगती है, जो बच्चे का जन्म होता है, जो यहाँ पे शुरुआत होती है, वो नली में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी औरत की फैलोपियन ट्यूब ही बंद है तो नॉर्मल तरीके से उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इस संदर्भ में उसने लंदन के बहुत सारे डॉक्टर्स को मिली, बट उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो नली को खोल सके और या फिर नली को बाईपास करके प्रेगनेंसी कर सके। अल्टीमेटली इसको कहीं से पता चला कि एक डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स की टीम थी लंदन में, वो इस विषय के ऊपर काफ़ी काम कर रहे थे। कहीं से उसको पता चला तो वो मिली इनसे। उन्होंने फिर एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक अपनाई, कहीं पे उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर हम लोग बच्चे को शरीर के बाहर बना सकें, लेबोरेटरी कंडीशन में उसको तैयार कर सकें, तो शरीर में ट्यूब की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। तो उन्होंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि उनके जो पेशेंट थी, उनके अंडों को शरीर से बाहर निकाला, उनके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ मिला के बच्चा शरीर के बाहर बनाया। उस टाइम पे पेट्री डिश होती थी, एक शीशे की छोटी सी नली जिसको बोला जा सकता है, उसमें बच्चा बना, एंड उस बच्चे को फिर वापस उनके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। उसको आगे चल के इस टेक्निक को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ का नाम दिया गया। तो 1978 जुलाई में पहली प्रेगनेंसी से, जो आईवीएफ प्रेगनेंसी से बच्चा ठहरा, जिसका नाम लुई ब्राउन है, अभी भी जिंदा है लुई ब्राउन, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में आती रहती हैं वो, तो वहाँ पर जन्म हुआ। और यहाँ पर एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इंडिया में भी ये टेक्निक चल रही थी। कैलकटा में एक डॉक्टर सुभाष मुखर्जी थे, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उन्होंने ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली यही चीज़ निजात करी थी, डेवलप करी थी। अक्टूबर 1978 में इंडिया में भी पहली आईवीएफ प्रेगनेंसी हुई थी, कनुप्रिया अग्रवाल नाम है, मैंने मिल चुका उनसे, कैलकटा में भी आती जाती रहती हैं, कैलकटा की बात कर रहा हूँ मैं ये। बट दुख की बात यह है कि इंडिया में थोड़ा सा ऑस्ट्रसाइज किया गया इनको, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को, काला जादू हो रहा है किसी किस्म का इस तरफ चीज़ों पे। देन अल्टीमेटली बहुत दुख की बात है कि ही एंडेड अप डूइंग अ सुसाइड, कमिटेड अ सुसाइड, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। नोबडी नोज अबाउट हिम, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि अगर लंदन के हम लोगों को पता है तो विद इन 2-3 महीने इंडिया में भी पहला आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। सो दैट मींस इंडियंस हैव मोर मिथ्स रिगार्डिंग। इनफैक्ट अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए मैम, आई डोंट नो वेदर द ऑडियंस नोज अबाउट इट, कि अगर हमारी मैथोलॉजी में जिसको हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, आई डोंट नो वेदर हिस्ट्री और माइथोलॉजी, बट महाभारत से लेकर रामायण में हर जगह पे इस चीज़ का कहीं कहीं मेंशन हो चुका है।
अगर आप देखें महाभारत में जो कौरवों का जन्म हुआ था, अगर उसको आप डिटेल में स्टडी करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी आईवीएफ इन्वॉल्व था कि भाई वो 101 घड़ों के डिब्बों में डाल के उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा, फिर वो बचे हुए। तो अगर आप उसका आज के साइंसेस को कंपेयर करें तो वो भी आईवीएफ था। जहाँ तक बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे उनके जन्म का सवाल आता, वहाँ पे भी कहीं सरोगेसी इन्वॉल्व थी। उनकी जो माँ रोहिणी है वो एक्चुअली उनकी मदर नहीं थी। तो अब अगर हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो उस वक्त साइंस बहुत इन्वॉल्व थी, इवॉल्व थी हमारी। तो हाँ, इंडिया डेफिनेटली आई वुड से इट्स अ पायनियर इन आईवीएफ टेक्नोलॉजी। So what are the myths about this process that we have of this process? Myths की जहाँ तक बात करें, मतलब मेरे experience में मैंने देखा कि myths बहुत ज़्यादा इसको आसपास घेरे में science को, जो common बहुत सारे myths अगर इसे बात करने लग जाएं तो पूरा chapter हो जाएगा। पर जो common myths मेरे को नज़र आती हैं, एक तो यह है कि लोगों को ये लगता है कि भाई IVF जो है ये एक तरह की स्पेशल टेक्नोलॉजी जहाँ पे गारंटी है। तो हर पेशेंट ये सोच के आता है कि भाई आईवीएफ का मतलब है कि वो पक्का बच्चा होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अब इसमें व्हाट कैन गो रॉन्ग, प्रेगनेंसी तो होनी होनी है, बट इतना सिंपल नहीं है मैम। हम लोगों को ये पूरा साइंस पढ़ते पढ़ते कम से कम 3 साल लगते हैं डिग्री लेने में। इतना अगर सिंपल होता तो गूगल के थ्रू देख के हम लोग आईवीएफ स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हर पेशेंट को समझनी है कि बहुत अच्छा ये एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन गारंटी नाम का कोई शब्द नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है सक्सेस रेट। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, बट गारंटी नाम का कोई शब्द नहीं है। दूसरा ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी एक तरह का एक हिचकिचाहट होती है आईवीएफ लेते हुए, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं कि भाई आईवीएफ के बाद अगर प्रेगनेंसी लगी तो हम लोगों को बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन एक मैंने सुना ही है कि भाई अगले 9 महीने फिर मैं बेड में रहूंगी, घर का काम नहीं कर सकता, तो किसको बुलाएंगे, इन लॉज आ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाती हैं वो। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। आईवीएफ में पूरे ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट की जरूरत एक भी दिन नहीं है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, कहीं किसी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी आईवीएफ के बाद डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, सिजेरियन ही होता है। आईवीएफ के बाद कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, आईवीएफ के बाद ट्विंस का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत सारी मिथ्स हैं। जहाँ तक ट्विंस का सवाल की बात है, जुड़वा बच्चों के सवाल है, हाँ चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट ये कहता है कि भाई हम लोगों को जुड़वा बच्चों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल की ट्राई करो, उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स आ गए जहाँ पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग करते हैं, एक ही भ्रूण अंदर छोड़ते हैं, जहाँ पे ट्विंस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिथ्स आई हैव एनकाउंटर्ड। सो किस तरह के पेशेंट्स, मतलब जैसे अगर मैं एज फैक्टर की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कौन से पेशेंट ज़्यादा यू नो विजिट करते हैं या अल्टीमेटली उन्हें? हाँ मैम, ये जहाँ अल्टीमेटली आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये चीज़ पे मैं एलाबोरेट करना चाहूँगा। आमतौर पे जो मैंने देखा है, ज़्यादातर कपल्स में एक ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ जो है ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये फाइनल ऑप्शन है। तो ये चीज़ मैं एक बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आज के, लास्ट ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो अगर आपकी ट्यूब्स खराब हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा हुआ है कि स्पर्म्स उनके वीक हैं, उनके एग्स वीक हैं, ट्यूब्स खराब हैं। जैसे ट्यूब्स के बारे में मैंने भी बात करी, जो पहला आईवीएफ हुआ था वो भी इसी पेशेंट में हुआ था जहाँ ट्यूब्स उसकी बंद थी। अगर किसी पेशेंट के ट्यूब्स बंद हैं तो वो झाड़ फूँक करने में या मंदिर जाने में या कोई वो भस्म खाने से ठीक नहीं होने वाली, आईवीएफ ही लगेगा। तो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, बाद में कराएंगे, जब तक वहाँ तक आप पहुँचोगे आपको 4 बीमारियाँ और पकड़ लेंगे, जो ओरिजिनल बीमारी थी उसके अलावा आप 5 बीमारियाँ और मेरे पास लेके आओगे, वहाँ पे आपका केस खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ पर समझना जरूरी पेशेंट को कि बेस्ट ट्रीटमेंट है, जितना जल्दी आप कराएंगे उतना उसमें सक्सेस रेट आपका इम्प्रूव होगा। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सर, जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं व्हेन अ कपल यू नो टू पीपल गेट मैरिड, सो मोस्ट ऑफ द सजेशंस दैट दे गेट इज कि विद इन 1 ईयर प्लान योर बेबी, अदरवाइज इट विल बी अ डिफिकल्टी। सो इज इट रियली अ थिंग और इज इट अगेन अ मिथ? नहीं नहीं मैम, बात तो सही है। वी नीड टू सी इट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे आजकल एक वो क्या एक मीम चल रहा है कि एज इज डजंट द मैटर, तो वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, एज जस्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इनफर्टिलिटी का जहाँ तक सवाल आता, एज डज द मैटर। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली औरत के केस में, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है ना। आपका बॉडी ने इसी तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है कि आपका बॉडी नोज की 30 साल की उम्र तक आपको प्रेगनेंसी लग जानी चाहिए। आपके पूरा बॉडी का सिस्टम उस तरह से इंजीनियर्ड है कि भी 30 साल तक प्रेगनेंसी लग जाए, बेस्ट रिजल्ट तभी आते हैं। 30 से लेकर 35 तक थोड़ा सा चांसेस आपके कम हो जाते हैं। एक बार औरत की उम्र 37-38 क्रॉस कर गई, उसके बाद नेचर आपके अगेंस्ट है। ये बात आपको समझनी जरूरी है कि एक बार आप 37-38 क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद नेचर आपके अगेंस्ट है, देन यू आर फाइटिंग द नेचर आपको बेसिकली प्रेगनेंसी करने के लिए। तो जहाँ तक एक साल का सवाल आता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछें कि इनफर्टिलिटी या बांझपने में जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो एज है। कोई भी पेशेंट मेरे पास अगर ओपीडी में आता है, मेरे चैम्बर में आता है, तो पहला सवाल मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपकी उम्र कितनी है, और वो भी यहाँ पे औरत की उम्र समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे भी कारण है, कारण ये है कि औरत जो है वो जन्म के टाइम पे शी इज़ बोर्न विद अ सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, उसके बाद उसके नए अंडे तैयार नहीं होते।
तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ये जो अंडों का नंबर है कम होता जाता है और एक पर्टिकुलर एज में आके सारे अंडे उसके खत्म हो जाते हैं। ये जो एज की हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज समवेयर अराउंड 40 साल की उम्र में उसके ज़्यादातर अंडे खत्म हो जाते हैं, तभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि 38 की उम्र के बाद चांसेस थोड़े से मुश्किल आते हैं। आदमी के केस में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है एज का, बट आदमी में 50-55 साल की उम्र तक भी बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना औरत की एज में। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं कि आप किस एज में शादी कर रहे हो। अगर आपकी उम्र मान लीजिए 22-23 साल की है फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये एक साल वाला कोई फैक्टर मैटर करता है, बट हाँ अगर आपकी 35 साल की उम्र में शादी हो रही है फिर हाँ यू नीड टू वरी, फिर थोड़ा सा जल्दी करने वाली बात है। Also, I would like to know that whenever we talk about such things, you know, pregnancy, being parents, it is so exciting and of course emotional as well. So, what is the emotional support that those parents would need from the doctor as well as their family? That is very important, ma'am. देखिए ये जो चीज़ है ये एक इंडिया में अभी भी we stay in a very well-knit family. तो family का support और support से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक ये जो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है कपल के ऊपर, बहुत बार मैंने देखा है कि कपल आर नॉट इनटू फर्टिलिटी टू द एक्सटेंट जितना उनके इन लॉज उन पर पुश करते हैं कि आपका और आपके हस्बैंड का अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम लोगों ने एक साल या डेढ़ साल तक वेट करना है, वी डू नॉट वांट प्रेगनेंसी एट द मोमेंट, लेकिन आसपास वाले जो आपके पड़ोसी हैं आपके इन लॉज हैं आपके घर वाले हैं दे विल बी कॉन्स्टेंटली हाउंडिंग यू विद क्वेश्चंस कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही प्रेगनेंसी हो रही। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है, इवन इफ़ यू आर नॉट इनफर्टाइल आप probably बहुत ध्यान से कोशिश कर ही नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता है भाई शादी को 2 साल हो गए अभी तक आपको अच्छी खबर नहीं सुनाई, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है, ऑलरेडी यू डीलिंग विद सो मच स्ट्रेस इन लाइफ, वहाँ पे कोई आपके दिमाग में एक ये सूडो सवाल डाल दे कि भाई आप इनफर्टाइल हो प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्राइवेट, आप अपने इन लॉज या अपने पड़ोसियों से ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप क्या कंट्रसेप्शन यूज़ कर रहे हैं, ये तो आप उनको नहीं बताएंगे, उनको क्या दिख रहा है कि आप पिछले 2 साल हो गए शादी को अभी तक इनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो दैट इज समथिंग विच प्लेज इन योर माइंड, तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता है। सो दैट मींस देयर शुड बी अ प्रॉपर सपोर्ट। जी हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कपल दे आर द बेस्ट पीपल टू डिसाइड, अगर आपने ये आपने अगर ये सोच लिया है कि भाई इनकी उम्र शादी करने लायक है तो बच्चा कब करना है क्या नहीं करना वो भी उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, मेरे ख्याल से इन लॉज और आपके रिलेटिव्स को इतना ज़्यादा उन पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ओके ये बहुत बार मैंने देखा है कि 30 साल की उम्र का कपल मेरे पास आ रहा है, अगर छोटा सा भी इनसे कोई मैं टेस्ट की बात करता हूँ दे वुड बी लाइक अच्छा हम आप लोगों ने मम्मा पापा से पूछ के बताते हैं, थोड़ा सा कभी कभी हैरानी होती है मेरे को कि भाई आपने जब शादी कर ली है 4-5 साल शादी को हो गए 30 साल की उम्र है आप बच्चे का डिसाइड कर रहे हो कल के बच्चे की परवरिश करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्लड टेस्ट के लिए आप अपने मम्मा पापा से पूछोगे तो कभी कभी हैरानी होती है मेरे को। सो इट शुड बी द पेरेंट्स डिसीजन बेसिकली। या इट शुड बी यू कैन गाइड देम बट मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेट देम बी मतलब बड़े हो गए हैं लेट देम डिसाइड नाउ। And what are the precautions जो एक मदर को या पेरेंट्स को precautions का मैम जहाँ तक precautions का सवाल है देखिए जब एक बार IVF आपका स्टार्ट हो गया फिर तो बहुत कुछ आपके medications पे डिपेंड करता है, तो what I would tell the patients की सबसे important चीज़ ये है कि medications को आप अपना समझें किस किस टाइम पे कैसे कैसे लेना, बहुत ज़रूरी है कि उसका टाइम टेबल मेंटेन हो, ऊपर नीचे अगर होगा तो काम पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो रेगुलर एक हार्मोनल रिदम है उसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं, पूरा ट्रीटमेंट ही आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट है ये IVF का, तो उसमें डॉक्टर जिस तरह से मेडिकेशन बता रहा है सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। तो बेसिकली वी हैव टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ आवर लाइफ जो हम बात कर रहे हैं, डाइट, प्री IVF काउंसलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो आपके सक्सेस का डिपेंड करता है डिटरमिन करता है, तो कल को अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो ऐसे रैंडमली आंख बंद करके IVF स्टार्ट करना इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है ट्रीटमेंट कि हर पेशेंट का उम्र कितनी है उसकी कौन सी बीमारी से हम लोग डील कर रहे हैं उसका एग की कैपेसिटी कितनी है उसका यूट्रस कैसा है उसके हिसाब से पूरा हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं ट्रीटमेंट, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई उनका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर उनका हमको लग रहा है कि किसी चीज़ से लाइफस्टाइल से इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो हम लोग 2-3 महीने भी देते हैं पेशेंट्स को, मेडिकेशंस पे डालते हैं एग्स को इम्प्रूव करने के लिए वेट लॉस करने के लिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आई वोंट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ इनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर पड़ता है। राइट right. और अगर हम जनरली भी बात करें आई गेस हमारा डाइट एक्सरसाइज ये तो जनरली भी ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि हम लोग अगर इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं ठीक है एग्स तो इट्स अ पार्ट ऑफ ए बॉडी आपकी पूरी बॉडी पे उसका असर आ रहा है, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हो आपका वेट बहुत ज़्यादा है आप रात को लेट सो रहे हो स्मोकिंग कर रहे हो अल्कोहल बहुत ज़्यादा है तो आपके शरीर के हर अंग पे असर आ रहा है उसका किडनी से लेकर लिवर से लेकर दिमाग तक हर किसी पर असर आ रहा है और उसी संदर्भ में आपके ओवरीज और आपके अंडों पर भी असर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है right. खासतौर पर आजकल जो प्रोसेस्ड फूड का एक ट्रेंड चल पड़ा है ये मेरे हिसाब से बहुत खराब कर रहा है हम लोगों को, ये जो पिज्जा बर्गर वाला ट्रेंड है ये मतलब इट्स रूइनिंग आवर बॉडी, बहुत जरूरी है इसको काम करना।
राइट राइट एज यू आर टेलिंग कि ड्यूरिंग एंड प्री आल्सो वी हैव टू मेंटेन एंड व्हाट अबाउट द पोस्ट प्रिकॉशंस आर देयर सम रिस्क्स इन्वॉल्वड और हाउ डज इट आई वोंट से रिस्क्स बट सी अगेन जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एज सच कोई बहुत ज्यादा बेड रेस्ट या कोई खास प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है. एक नॉर्मल पेशेंट अगर प्रेग्नेंट होता है तो ज़्यादातर केसेस में उसको पता भी नहीं होता है, है ना. अगर आप नेचुरल तरीके से कोशिश कर रहे हो तो दे आर नो स्पेसिफिक टाइम लाइन्स और टाइम टेबल ही फॉलोइंग, आपको पता भी नहीं होता है ना प्रेग्नेंट हो जाता तो वही मोर और लेस IVF में भी वही चीज़ फॉलो होती है. कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करने की जरूरत नहीं है. आज मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, बच्चे को अंदर बिठाया, तो ठीक है आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक पेशेंट जो IVF करा रहा है वो जाके मैराथन भागेगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है. बट उसके अलावा आपके लाइफस्टाइल में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है. आप अपना सारा घर का काम कर सकते हो. वर्किंग लेडीज को कोई छुट्टी लेके घर बैठने की जरूरत नहीं है. सब कुछ नॉर्मल लाइफस्टाइल आपका है ना, कि जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में किसी किस्म का कोई खास प्रिकॉशन नहीं लेता, वैसे ही है. कोई खास प्रिकॉशन के लेने की जरूरत नहीं है. हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, स्ट्रेस फ्री रहें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, खुश रहें, दैट इज ऑल. Also, I would like to ask that MM Super Speciality Hospital, a big name, right? कोई ऐसी heartwarming story that you would like to share? I know it's obviously a special feeling that you are giving happiness to the family and parents, and it's all about hope, right? So, any heartwarming story that you would like to share? आज ही वो patient आई हुई थी, अभी यहाँ पे आने से पहले मैं भी उसको अल्ट्रासाउंड ही करके आया हूँ. यहाँ पे अम्बाला की patient है वो. तो IVF के बाद प्रेगनेंसी होना तो दैट इज़ ओके, वो तो खैर इन इट इज़ इट्स अ वेरी हार्ड. अभी मतलब मेरे को ये काम करते हुए करीब 11-12 साल हो गए हैं, बट आज भी एक यू नो इनफर्टाइल पेशेंट के हाथ में जब बेबी आता है उसकी जो खुशी होती है वो अभी भी वैसी है जो 11 साल पहले थी. तो उसके बारे में तो नहीं, बट हाँ एक अभी पेशेंट थी वो मेरे को दिमाग में अभी देख के स्कॉर से मेरे को याद आ रहा है. 5 उसके अबॉर्शंस थे उसके, तो 4 बार उसने नेचुरल तरीके से कोशिश करी, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी लेके अबॉर्ट किया. एक बार मेरे से IVF कराया, IVF करने के बाद भी उसका अबॉर्ट हुआ. बट वही वाली बात है कि सल्यूट टू हर स्पिरिट की शी परसिस्टेड विद इट. 6th बार प्रेगनेंसी लगी, अभी 6th महीने का 6 महीना 6th महीने चल रहा है अभी उसका, बच्चे को मैं देख के आ रहा हूँ. तो दीज आर सम ऑफ द स्टोरी विच आर वेरी हार्ट वार्मिंग. इट मेक्स एवरीथिंग वर्थ वाइल. Yeah, so it makes feel ki our doing all these efforts are worth. Absolutely, it can get very frustrating at times. जैसे मैंने बताया मैम, infertility का treatment करना, IVF करना कोई बहुत ज़्यादा success rate इसमें नहीं है, तो बहुत बार frustration होता है, doctor की frustration होता है, but these kind of cases they make up for it. Yeah, you feel. So लगता है कि worth है, it's worth it, it's worth it. It's more than worth it. Understand. So also I would like to ask that what are the suggestions you would give even to the people, for example, especially for females, those who are not married, and what are the suggestions you would give to them so that they can make themselves more fertile and what lifestyle they should follow? बेसिकली जब मैंने आपको बताया मैम कि बहुत सिंपल से रूल्स हैं कि आप टाइम से आपने खाना है, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, आपका एक पर्टिकुलर वेट को आपने मेंटेन करके रखना है, एंड आपने टाइम से सोना है. ये 4-5 चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि आप किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उल्टा सीधा ये जंक फूड नहीं खाना, घर में दाल रोटी सब्जी खाइए, 3 टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. शाम को आई एम नॉट सेइंग कि आपको जिम जाने की जरूरत है, 15-20 मिनट वॉकिंग कीजिए, दैट इज़ ऑल. हर किसी को पता है कि आपका क्या वेट रिक्वायर्ड है, उस वेट के अंदर अंदर रहिए, दैट इज ऑल. कोई बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है. सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक. बिल्कुल बेसिक, बेसिक्स. कोई ऐसा स्पेशल हमें नहीं करना. नहीं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. बट आई गेस द प्रॉब्लम विद टुडेज जनरेशन मोर इज दे आर मोर इनटू देयर वर्क, दे विल इवन लीव देयर फूड फॉर द वर्क. दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट. अगर रात को आप 12-12 बजे तक बैठ के लैपटॉप पे हैं, देन सवेरे, सी द थिंग इज कि आपका स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज समथिंग जो मैंने बहुत सारे फोरम्स पे बोला हुआ है. स्लीप इज समथिंग विच इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. आपके बॉडी को पूरा रीजेनरेट करती है आपकी स्लीप. पूरे दिन में आपका जितना मर्जी स्ट्रेस हो, रात को आप 7 घंटे अच्छे से सो लें, वो सारा कर रिक्यूपरेट कर लेते हैं, अगले मॉर्निंग यू आर बैक टू योर फीट अगेन. अब जब मैं 7 घंटे की बात कर रहा हूँ तो 7 घंटे का मतलब है कि बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम है कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो. आप रात को 10 बजे सो के सवेरे 5 बजे उठ रहे हो, दैट इज हेल्दी. अब आप बोलते हो कि रात को जी मैं 2 बजे सोऊंगा, सवेरे 9 बजे उठूंगा, मेरी 7 घंटे तो पूरी हो गई. बट वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. बॉडी को पता है कि वो 2 बजे सोने का टाइम नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको असर दिखेगा उसका. ओके, तो एज ए टोल्ड ली कि बड़ी सिंपल सी चीजें हैं. तो बेसिकली वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ नेचर. द फ्लो ऑफ नेचर एंड एवरीबॉडी नोज इट. अगर आप अंदर झांकेंगे यू नो कि क्या हेल्दी है. कल को आप पिज्जा खाएंगे, एवरीबॉडी नोज कि इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग. तो उसमें कोई डॉक्टर की बताने की जरूरत नहीं है, है ना. ऑफ एंड ऑन इज ओके, लेकिन अगर आप रोज पिज्जा और कोक के डाइट पे अगर आप जी रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी पे असर दिखाएगा. So as we are again coming back to MM Hospital, MM Super Speciality Hospital, तो कितना time हो गया सर हमारा hospital ये कर रहे हैं, how it is going? जी MM Super Speciality Hospital IVF department 2019 से है मैम. 2019 से ही मैं भी यहाँ पे हूँ. तो जो एक दो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट का, वो है कि 2019 से लेके अभी 2023 चल रहा है,
अभी तक कितने सालों में हमारी एक ही टीम रही है, एक ही फिजिशियन है, एक ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, हम ही लोग वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। खास तौर पे ये मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि IVF में जो हार्ट है IVF का, जो दिल है IVF का, वो वहाँ की लेबॉरेटरी है जहाँ पे आपके बच्चे तैयार होते हैं, जहाँ पे भ्रूण तैयार होते हैं, उस चीज़ के ऊपर आपका सक्सेस बहुत डिपेंड करता है। हमारे पास एक फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जो कि आई वुड से कि बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में नहीं होता है। उनका काम सिर्फ यह है कि पूरा दिन बैठ के वो लैब का पूरा सेटअप देखती हैं कि कहाँ पे कोई कमी रहेगी, किस चीज़ से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों का मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आपका सवाल का जवाब यह है कि करीब 4.5 साल हो गए हमारे यहाँ पे, एंड 4.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। And we hope that it go for life thank long. You, thank you so much. Inshallah. And again, I believe we have touched almost all the areas. काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं. तो फ्यूचर की बात जब हम करते हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंट की बात करें, मुझे लग रहा है फ्यूचर भी करना बहुत जरूरी है. तो कहाँ जाएगा, क्या टेक्नोलॉजीज नई होंगी, क्या होने वाला है? तो बिल्कुल बूम हो रहा है आजकल IVF का सेक्टर। तो एक तो चीज हमने देखी, अभी जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त हमारा IVF का सक्सेस रेट का कुछ 30-35% चल रहा था। तो हम लोग जो पेशेंट से बात करते थे 30-35% हम लोग बताते थे। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, जैसे जैसे भ्रूण इंप्रूव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इंडिविजुअलाइज होता जा रहा है ट्रीटमेंट, जैसे मेरे को अपने टाइम पे याद है कि हम लोग एक ब्लैंकेट थेरेपी देते थे, हर पेशेंट को एक तरह का ट्रीटमेंट देना, एक तरह का ड्रग्स देना, एक ही फॉलो करना, एक तरह का ट्रेंड फॉलो करना, एक ही तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करना। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं हम लोग ट्रीटमेंट, कि अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है तो ज़रूरी नहीं कि इससे पहले वाले ट्रीटमेंट पेशेंट को जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था इसको भी वही दूँ मैं। तो उसके साथ हमारा सक्सेस रेट भी इम्प्रूव हो रहा है, भ्रूण को बनाने की क्वालिटी इंप्रूव होती रही है। अब हमारे करीब 60% के आसपास तक का मोस्ट ऑफ द गुड IVF क्लिनिक्स 60% को टच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैम किसी भी टाइम पे 100% तो नहीं पहुंच पाएंगे अब, बट एक इनफर्टाइल कपल का जहां पे प्रेगनेंसी होने का चांस ना के बराबर है, वहां पे अगर हमको 60-65% भी दे सकते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है? अभी टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग चीज़ें, जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टेम सेल्स के ऊपर काम हो रहा है। स्टेम सेल्स एक इस तरह का खास किस्म के सेल्स होते हैं बॉडी में जो कि किसी भी अंग के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपके यूट्रस में किस तरह की प्रॉब्लम है कि यूट्रस उसको पूरी तरह से बच्चे को ग्रहण नहीं कर पा रहा, यूट्रस पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा, एंडोमेट्रियल फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे स्टेम सेल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टेम सेल्स डालने में हो सकता है कि वो जो अंदर एक डिफेक्ट रह गया था, एक जो इंजरी है, वो फुलफिल हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से मतलब बहुत बिल्कुल बूमिंग टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा पूरा एक अलग चैप्टर ही शुरू हो जाएगा इस पर, बट हाँ डेफिनेटली बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। तो मतलब अब बिल्कुल स्पेसिफिक हम जिसे हम कस्टमाइज भी कह सकते हैं। जी जी एब्सोल्युटली, कस्टमाइज बोले, इंडिविजुअलाइज बोले, एब्सोल्युटली हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है अब। आई गेस हमने काफ़ी चीज़ें सर कवर कर ली हैं। एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगी एंड में कि आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से IVF इज इट अ बून और इज इट अ बेन? नहीं, डेफिनेटली इट्स अ बून मेरे ख्याल से, बाकी इट्स द वे यू लुक एट इट। अगर आप बात स्टार्ट करें न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर एनर्जी की, तो उसका भी शुरुआती तौर पर तो माइनिंग के फील्ड में उसका स्टार्ट हुआ था टेक्नोलॉजी। आज हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया। तो वही वाली बात है कि जहाँ तक IVF का भी सवाल है, मैं तो ये कहूँगा इट्स अ कम्प्लीट बून। अभी ये कि हाँ भाई, इसका भी मिस यूज़ हो सकता है। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि भाई हमारे पास दो बच्चे हैं, हमारे पास दो लड़कियां हैं, आप IVF करके हमको लड़का कर दो। अब वही वाली बात है कि आप किस तरह से आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Any last message that you would like to give to the audience and especially those parents who are looking for such things or who are about to be parents? जी जी absolutely, IVF एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। जैसा मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इसको लास्ट ट्रीटमेंट ना मान के चलें, इसको बेस्ट ट्रीटमेंट मान के चलें। एज का बहुत ख्याल रखें, आपके पूरे जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एज है। IVF कब कराएंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी डॉक्टर के पास आएंगे। कोई जादू या मेरिकल इसमें नहीं होने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने अपना बेसिक ट्रीटमेंट करा लेना है। अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आपको IVF की जरूरत है, तो आपको प्रोसीड करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आई बिलीव दिस सेशन वाज सो इन्फॉर्मेटिव फॉर मी एज वेल एज फॉर आवर ऑडियंस। आई एम ग्लैड, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर दिस शो एंड शेयरिंग। इट्स बीन अ प्लेजर मैम, आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच सर, वी विल सी यू मीटिंग मोर विद मोर थिंग्स। डन सर, थैंक यू सो मच।